ये खाली। भाऊ मुझे कहीं अर्जेंटली जाना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ए तेरा अर्जेंट मैं बताता हूँ। 12 ये क्या क्या तूने ये भाऊ बिल्कुल भी नहीं लगी है, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? अच्छा तूने मेरे गाड़ी ठोक दी और मैं तेरे पास चिल्लाऊं नहीं तो क्या लोरी सुनाऊं तेरे को? गाड़ी चलानी आती नहीं है तो गाड़ी लेके निकलती क्यों हो? पता नहीं कौन देता है लड़कों को गाड़ी चलाने के लिए। आपका दिमाग तो ठीक है? दिख रहा है दिमाग किसका खराब है, इतनी ऊपर से नीचे तक चोट लगी हुई है, निकल गया अकेले गाड़ी लेके घूमने। भाऊ मैं घूमने नहीं जा रही, मैं आपको वही तो समझा रही हूँ, मैं सच में अर्जेंटली जा रही थी, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। पता है सब तुम लोगों का, पहले गाड़ी ठोक दो और फिर अर्जेंट कहीं पहुंचना है इसका बहाना मार के निकल जाओ। तुझे तो मैं बताता हूँ, रुक, तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक मेरे डैमेज का पैसा नहीं देगी। तू कहीं नहीं जा रही। मेरी चाबी दे। देखिए भाई साहब मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी गलती मेरी है। आप खुद बहुत स्पीड में आ रहे थे और अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ गए, फिर भी मैं आपसे माफी मांग रही हूँ और आपको खुद भी मुझे सॉरी बोलना चाहिए। और आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं। तूने मेरी गाड़ी ठोक दी, अब तेरे से तमीज से बात करूं? तुझे मैं बताता हूँ अभी। जा बुला ले जिसको बुलाना। क्या हुआ बेटा, ये तुम्हें परेशान कर रहा है क्या? अरे अंकल ये ना लड़के को गाड़ी चलानी नहीं आती है फिर भी गाड़ी लेकर रोड पे निकल जाती है। मैं तो बड़ा आराम से चला रहा था, ये लड़की ने धार से अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी में लाके मार दी। साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, कम से कम 100 की स्पीड पे थे और ये क्या लगा रखा है? लड़की गाड़ी नहीं चला सकती, लड़कियां स्पेस तक पहुंच गई हैं और आप जैसे मर्दों को अभी भी यही लगता है कि औरत के हाथ में सिर्फ चकला बेलन अच्छा लगता है। मैं मानती हूँ एक्सीडेंट हुआ है लेकिन दोनों की गलती की वजह से हुआ है। तमीज नहीं है तो मैं बात कैसे करते हैं, क्या तमीज सिखाएं अभी? ए अंकल अपन भी शेप भागते हैं। जो आदमी औरत की इज्जत नहीं करता वो कभी भी शिव भक्त हो ही नहीं सकता। अरे शिव जी की भक्ति दिल से होती है, बोलने से नहीं। ए माता रे तू कब बस ए आता है सरल करू यार, स्त्रियांशी बोलने पद्धत ना आयला। ज्यादा गर्मी चढ़ी है तुझे, इसे हम अभी ठीक करते हैं। जाता हूँ। सॉरी मैडम। थैंक यू, आप लोग नहीं होते तो ये आदमी मुझे और परेशान करता। जाओ बेटा आराम से, अपना ख्याल रखना। कितना वक्त बर्बाद हो गया मेरा। सिस्टर पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है, एक काम करो मेडिसिन का डोज बढ़ा दो। लेकिन सर इनकी डोज तो पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, जस्ट डू व्हाट आई से। ओके मानसी दाई आपकी तबीयत हेल्थ सेहत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। नहीं सुनाली मैं ठीक हूँ, कुछ घंटे का सवाल है, मैं अपना उपवास नहीं तोड़ूंगी। अनजाने में ही सही, हम सब ने विराट के साथ गलत किया है, अब उसकी सलामती के लिए हम कुछ घंटों का उपवास तो रख ही सकते हैं, यही हम सब का प्रायश्चित है। अश्विनी बहनी आप प्लीज जाके सो जाइए। नहीं बहनी आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी, आप प्लीज जाइए। अश्विनी बहनी प्लीज सलात मत दे। हाँ क्या हुआ? अरे मैं जानता हूँ स्ट्राइक चल रही है लेकिन कहीं और से मैनेज करो, सिर्फ एक घंटा बचा है, एक घंटे के अंदर अंदर विराट को वो दवाई मिल जानी चाहिए। सर डोज बढ़ाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनकी हालत तो बिगड़ती जा रही है। सिस्टर पता करो इंजेक्शन का लॉट फैक्ट्री से निकला या नहीं और उन्हें ये सिचुएशन समझाओ, बोलो किसी की जिंदगी का सवाल है, गो फास्ट। बस 10 मिनट गोडाउन से इंजेक्शन लेने में, फिर लेके
हॉस्पिटल चली जाऊंगी। महादेव की कृपा से विराजन के पास इतना समय होगा। कोई भी काम नहीं आ रहा है, कहीं से भी नहीं मिल रहा है वो इंजेक्शन। अश्विनी महनी बड़ी मुश्किल से सोई है, उनकी हालत तबीयत हेल्थ बहुत खराब है। देवी ताई भी बहुत मुश्किल से सोई, इतना डरी हुई थी बेचारी देवी ताई। डरे तो हम सब हैं, लेकिन देवी की तरह जाहिर नहीं कर रहे हैं। पुलकित, तुम इतने बड़े डॉक्टर हो, तुम्हें भी नहीं मिला इंजेक्शन? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई लीड नहीं मिली है। वो स्ट्राइक की वजह से वो इंजेक्शन आसानी से अवेलेबल नहीं है कहीं भी। ये इंजेक्शन मेरे वीरू के लिए बहुत जरूरी है। पापा, कुछ करो। मैडम, गोडाउन बंद हो गया है। तो फिर आप गोडाउन के ओनर को फोन कर लीजिए ना। उनका नंबर नहीं है हमारे पास। भाव, प्लीज, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। ये प्लीज, भाव, प्लीज, भाव, भाव, ये इंजेक्शन बहुत जरूरी है। भाव, भाव, प्लीज। समय निकल रहा है, क्या करूं? हाँ सही। अनिकेत, ये वॉचमैन तो बोल रहे हैं कि वो गोडाउन बंद है। सही, एक मिनट रुको, मैं उस आदमी को फोन करता हूँ। प्लीज जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है। हेलो, उस आदमी का तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, अब तो हमें सुबह तक ही वेट करना पड़ेगा। मुझे यहाँ तक ले आए, लेकिन यहाँ दरवाजा बंद है। इससे आगे का रास्ता आप ही दिखाइए। प्लीज, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अगर पौने घंटे के अंदर अंदर हमें वो इंजेक्शन नहीं मिला, तो हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। कैसे लाऊं? मैं ब्रदर को कैसे बचाऊं? बोले ना, प्लीज, प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मैडम, अरे मैडम यहाँ खड़ा नहीं हो, कितनी बार बोला है, जाइए यहाँ से। महादेव, मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। गोडाउन के पीछे बहुत सारे पाइप्स होंगे। सिस्टर, कुछ पता चला इंजेक्शन की डिलीवरी कब होगी? नो सर, सुबह 7 बजे के पहले कोई भी डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। डैम। एक काम करो, जल्दी से इन्हें इमरजेंसी रूम शिफ्ट करो। हम उसे इंजेक्शन के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें किसी भी तरह इन्हें सुबह तक जिंदा रखने की कोशिश करनी होगी। पाइप तो है। लेकिन सही, तू इस हालत में ऊपर चढ़ेगी कैसे? सही, तुझे हिम्मत करनी होगी, तुझे इन पाइप्स पे चढ़ना होगा।
और कोई तरीका नहीं है वो इंजेक्शन लाने का, विराट सर की जान बचाने का। तो जिस पे चढ़ना ही होगा। हमारे पास ज्यादा वक्त बचा नहीं है। सम्राट तुम ऐसा मत बोलो प्लीज। घर से भी इंजेक्शन की कोई लीड नहीं मिल रही है। मैंने जिस किसी को भी फोन किया अपनी जान पहचान में सबसे बस ना सुनने को मिला। समझ में नहीं आ रहा मामा मैं क्या करूं। विराट को इतनी जल्दबाजी में लेके कहाँ जा रहे हैं? ये प्लीज काम डाउन, वी आर डूइंग अ जॉब। लेकिन कुछ नहीं होगा विराट, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कोई अंदर तो नहीं घुस गया? इसे तोड़ना होगा, लेकिन कैसे? हेलो सर, हेलो पुलिस स्टेशन, ये तो खुला है। कोई है तो नहीं? लाइट। सैंतीस मिनट बचे हैं, जिसमें से 25 मिनट वापस जाने में लगेंगे, 2-3 मिनट ओटी तक पहुंचने में लगेगा। मेरे पास 7 मिनट है यहाँ से इंजेक्शन लेके निकलने के लिए। 7 मिनट। ये इंजेक्शन मिल सकता है? सॉरी सर, ये इंजेक्शन तो आउट ऑफ स्टॉक है। सुबह से आप 5वें कस्टमर है जो इस इंजेक्शन को लेने आए। कहीं और से अरेंज हो सकता है? मैं जितने चाहिए पैसे दे दूंगा। सॉरी सर, स्टॉक ही नहीं है। हाँ, लेकिन एक डीलर का गोडाउन है नागपुर के बाहर, अंबाखूर से थोड़ा पहले आता है, वहां शायद स्टॉक हो सकता है। अगर आपको चाहिए तो सुबह मैं वहां से लाकर दे सकता हूँ। नहीं सर, कल सुबह तक का वक्त नहीं है मेरे बेटे के पास। आज रात में ही कहीं से इंतजाम हो जाता तो बहुत अच्छा होता, प्लीज देखिए ना। सॉरी सर, बहुत मुश्किल है, अभी तो वो गोडाउन भी बंद हो गया होगा। ओके चलो।
बीपी, पल्स, हार्ट रेट सब बहुत तेजी से ड्रॉप हो रहा है। इस तरह हम ज्यादा देर मैनेज नहीं कर पाएंगे। इधर होगा। ये तो घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। इतने बड़े गोडाउन में मैं कहां ढूंढूं विराट सर का इंजेक्शन? दरवाजा बंद है, मतलब लड़के अंदर ही है। हाँ, ऐसे गोडाउन्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखी होती है दवाई। दरवाजा खोल। हाँ। देख, तू नहीं खोलेगा दरवाजा, मैं तोड़ दूंगा। तो ऐसे नहीं सुनेगी, थाम तुला दाखव तोच। हालत तो बिगड़ती जा रही है। आई नो, लेकिन हम जो कर सकते थे सब कर चुके। अब सिर्फ वो इंजेक्शन ही आखिरी उम्मीद है। ए लड़की, किधर है तू? रुक। ए लड़की, रुक 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 रुक। और तेज तक पहुंचा दीजिए। प्लीज महादेव, मुझे विराट सर पहुंचा दीजिए। सर, इनकी नाक से तो ब्लड आ रहा है। ओह गॉड, आई थिंक इनकी आर्टरीज रप्चर होना शुरू होगी। इनकी फैमिली को इन्फॉर्म करो, अब इनका बचना मुश्किल है। For more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.